तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है टेक का ज्ञान चल के एक नए और फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से। जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने का जो डेट है उसको एक्सपेंड करके कर दिया है 30 जून तक। तो अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक देख के आप वो कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से। और अगर आपने लिंक ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको पता नहीं कि लिंक हुआ है या नहीं, आप उसका स्टेटस करना चाहते हैं, वो तरीका भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका काम है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेहरबाना, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान चैनल। चलिए आज का ज्ञान शुरू करते हैं। तो यहाँ ट्विटर पे उन्होंने मेंशन किया है कि इस डेट को 31 मार्च 2021 से एक्सपेंड करके 30 जून 2021 को कर दिया गया है। ये वो लोग दोबारा एक्सपेंड कर रहे हैं, शायद इसके बाद करे या ना करे तो जल्दी से आधार को पैन के साथ लिंक कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। कभी कभी ये वेबसाइट ठीक से काम नहीं करता है तो आपको फिर से इसको रीलोड करना पड़ेगा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे आपका आधार नाम जो है उसको एंटर करना है। और नीचे ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ ईयर मेंशन किया है तो इसको टिक कीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में मंथ डे यार सब कुछ मेंशन है तो इसको टिक मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री यहाँ पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चर जो शो हो रहा है उसको आपको देख देख के इस पर टाइप करना है। अगर कैप्चर में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और ओटीपी पर क्लिक करके आप अपने कोई भी एक नंबर डाल के ओटीपी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको आधार लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं आप ये जो डिटेल्स है इसको फिलअप कर लेता हूँ। डिटेल्स फिल करते समय एक बात नोटिस जरूर कीजिए कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पैन कार्ड और आधार कार्ड में सेम टू सेम हो, वरना ये लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके आधार या फिर पैन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ऑनलाइन इसको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको करेक्शन करना नहीं आता है और आप जानना चाहते हैं इसका सही और आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम आधार पैन को करेक्शन कर पाएंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके ऊपर फ्यूचर में वीडियो जरूर लाऊंगा। तो पूरा फॉर्म सही से भरने के बाद यहाँ पर लिंक आधार वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग होगा तो आप थोड़ा इंतजार कर लेना। तो लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको शो कर देना कि आपका जो लिंकिंग प्रोसेस है, आधार के साथ पैन को लिंक करने का प्रोसेस, वो सक्सेसफुली हो गया है। और अगर आपका पहले से लिंक हुआ है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा कि आपका लिंकिंग प्रोसेस पहले से हो चुका है, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये तुरंत हो जाता है, कोई भी समय नहीं लगता है, कोई भी टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेटस भी चेक करना है कि हुआ है या नहीं, वो भी हम यहाँ इस वीडियो में चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस पेज में आपको फिर से आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। तो आपको क्लिक हेयर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर और आधार नंबर मांगेगा, तो वो उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सारी डिटेल्स अच्छे से फिलअप करने के बाद यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपका जो पेज है लोड होगा, तो आपको थोड़ा इंतजार कर लेना है। इंतजार करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा योर पैन इज लिंक टू आधार और आपका जो आधार नंबर है उसका 4 डिजिट भी यहाँ पर, लास्ट का जो 4 डिजिट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार दोनों अच्छी तरीके से लिंक हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो यही था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा के रखें ताकि आपको मिले हमारे चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद।